out from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. भैया छुट्टी है और हाँ महाशिवरात्रि आज भी, आज सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। तो भगवान शिव और माता पार्वती सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और मैंने ये काम छेड़ दिया है तो ये फैला रखा है सारा, शाम तक जो है इसको ख़त्म करने की कोशिश है। ये भाई मैंने लगा रखा है वाइट वाश के लिए। बारिश की वजह से, पानी देने की वजह से ना क्या होता है, सारा का सारा ये जड़ जाता है और काला काला हो जाता है दीवारें। तो वाइट जहाँ पे पोर्शन है उसको थोड़ा सा सफाई कर रहे हैं, लग रहे हैं फिर थोड़ा सा होली की रेनोवेशन सी हो जाएगी, है ना। रेनोवेट हो जाएगा थोड़ा सा। ये किसने तोड़ दिया, ये बंदर खा गए। देखा, मैं समझती थी ना ये इसको ना बांस को गन्ना समझते हैं ये, और ये देखो ये खा गए कल भाई, इसको गन्ना समझ लेते हैं बंदर। क्या कर दिया। और ये किया था भाई मैंने, इधर से देखो फूल कितना अच्छा है, रेड वाला है ना। इसको मैंने ऐसे कर दिया है, ऐसे वी शेप में कर दिया, पहले ए शेप में था ये। एक बार ये भाई कर देगा उसके बाद सेटिंग करना शुरू कर दूंगी, तब तक अंदर का निपटा लेती हूँ। ओके बाय बाय। Don't make a sound when I shut the door. ये लो डॉक्टर साहब के किचन में क्या लग रहे, टाइल्स अब कुछ साफ सुथरा हो जाएगा। धीरे 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 धीरे। ऐ दरवाजा बिल्कुल उतार दिया। ये तो अभी देखा है मैंने, ये क्या किया बेचारी, मतलब इसको बिल्कुल ही हटा दोगे अब दरवाजा। हाँ नी नीचे से कट के लगेगा, वैसे तो ना लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ यूं खुला खुला लग रहा है वैसे, है ना। You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in. डॉक्टर साहब अपने फाइनल टच में लग गए हैं। कल के बर्तन भी पड़े भैया, पानी नहीं गिराना था इसलिए, तो अपनी साफ सफाई करेंगे। बाहर भी है यहाँ भी है, आज का पूरा दिन ही बिजी रहेगा। मेन काम है डिश वॉशर लगाने का, क्योंकि डॉक्टर साहब की जगह बर्तन सारे भरे पड़े हैं पूरे। वो तो आपसे भी धुल जाते हैं, लेकिन इन लोगों ने धोने नहीं दिए भी मुझे, ऐसी बात नहीं। डिश वॉशर नहीं था तो क्या मैं बर्तन नहीं धोती थी, लेकिन इन लोगों ने धोने नहीं दिए तो इसलिए पड़े रह गए कल के। ठीक है तो अब सारा फिनिश कर दूंगी, क्या डिश वॉशर ना भी लगेगा तो भी मैं हाथों से धो दूंगी। ये तो सही होगा, नहीं तो पानी जो है ना भाई, पहले तो इंजीनियर साहब थे फर्श बनाया था जिन्होंने, उन्होंने क्या किया हुआ था, जो पानी का ड्रेनेज पाइप होती है या किचन से वैसे भी निकालने के लिए होता है, उसमें क्या किया हुआ था कि वो तो ऊंचा है और फर्श उससे नीचा था, तो हमारा पानी सारा पानी इधर आता था, खड़ा हो जाता था। तो वैसे इंजीनियर थे यहाँ पे, तो अब ये हो गया कि ये जब टाइल लगी है तो वो नीचे गया है और फर्श ऊपर आया है, तो अब ये हो जाएगा कि जब भी धोना हो तो पानी चला जाएगा, नहीं तो किचन धोने का प्रोग्राम ही नहीं होता था। ठीक है भाई, धन्यवाद आर्य साहब का, थोड़ा थोड़ा सा जो है दे दिया इन्होंने, पता नहीं पूरे घर में कब फर्श देखने को मिलेगा मुझे। भाई अपना अपना घर अपना ही होता है, ये तो क्या है भाई, सरकारी है तो क्या करे, अपनी मर्जी से तोड़ ही सकता हूँ। पर यहाँ पे आना हमें बहुत मजे आ रहे हैं, हम यहाँ से जाना ही नहीं चाहते। भाई कोई धक्के मार के निकालेगा ना तो ही जाया जाएगा, अदरवाइज तो नहीं मन यहाँ से जाने का। क्यों, मतलब ये नहीं कि अपना घर नहीं है, है भाई, लेकिन क्या है यहाँ पे मजे इतने हैं। होगी तैयार चाय और डॉक्टर साहब का फास्ट है भाई, महाशिवरात्रि। सब फैला पड़ा बहुत सुथरा सुथरा क्या सारा इतना है बढ़िया। कोई नहीं, घर 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 ऐसे ही होता है। वो जो खाली खाली रहते हैं जहाँ कुछ भी नहीं फैला होता हो तो उजाड़ होता है। मकान होते हैं।
दीवारें होती, वो क्या कहते हैं भाई, 2 दिन से फैला हुआ है, क्या करूं। मैं कल आई थी ड्यूटी से, तब तक तो ये फैलाए मिले थे, मेरे हिसाब से इन्होंने रखा नहीं, तो इसलिए वो और ज्यादा फैल गया। क्योंकि लेडीज तो देखो अपने हिसाब से चीजें मैनेज करके रखती है, और मैं आई तब तक इन्होंने होली बना दी सारे घर, कोई सामान इधर कोई उधर, ये देखो सारा बुरा। हम तो कह रहे थे भैया हम साफ कर देते हैं, आप ही नहीं माने। Shut the lights, go infrared. Oh, we can spend all day in bed. यार रखवा दो डिशवॉशर, देखो डिशवॉशर कहाँ रखा हुआ बेड पे डॉक्टर साहब ने। हाँ डॉक्टर साहब ने नहीं, आपने खुद रखा था, मैं बताने लगा ना आई तब तक तो। और ये इसके नीचे का और ऊपर का ये सब कबाड़ कहाँ पे पड़ा हुआ। सही हो गया डॉक्टर साहब बाथरूम। इस पर पैर तो नहीं फिसलेंगे। चाय पीते पीते नहीं, ये वो है एंटी स्किड है। हाँ मेरा कुछ नहीं है, आपका है देख लियो। ये मेरा बाथरूम है। हाँ इन्हीं का बाथरूम है, पर भी फिसल के गिरते भी बहुत है भाई इस बाथरूम में, ठीक है ना, इसलिए कह रही हूँ। हो गया भाई, ये भी हो गया थोड़ा सा, और ये भी हो गया भाई, हमारे वाइट वॉश हो गया है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको रखेंगे, रखने की बारी है ना, ये साफ करना है अभी, इस पर सीमेंट गिरी हुई है। वैसे ये दीवार है भाई, इसके ऊपर फिर गंदा करने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन अब क्या करें, पौधे तो साइड में रखे जाएंगे, बीच में तो रख नहीं सकते। अब इनको भी करूँगी, जब तक मेरे बर्तन चल रहे हैं तब तक मैं इनको कर देती हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ करते हैं, मिलजुल के मिल बांट के काम करना है, नैया अपनी है जब है तो है? एक बार तो सोचेंगे कैसे करेंगे। Your favorite music on all the way baritone. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. देखो इतना तो फिनिश कर दिया है, अब रह गया पानी देना। अब हिम्मत नहीं है, फास्ट भी है, पूरा दिन हो गया, चाय की तलब सी लगी हुई है, एक चाय पीते हैं और सर तो नहा धो लिए हैं, अपन ऐसे ही हैं। तो अब देखते हैं भाई, एक थोड़ा सा ये रह गया है, थोड़ी किचर बिचर सी हुई बैठी है, ठीक है। लेकिन इधर से रो यहाँ से मैंने साफ़ कर दिया है सारा, थोड़ा बहुत सा चेंज हो गया है होली का। कुछ अभी कुछ पौधे और गमले आएंगे नए, उसके बाद शिफ्टिंग कर दूँगी। अभी सफाई हो गई है, ये वाइट वॉश हो गया है। ओके थैंक यू जी, कैसा लगा मेरा ज़रूर बताना, फिर कहोगे इन्हीं में लगे रहते हो जी, क्या बताएं भाई। फिर भी वही है, जो चीज़ खुशी देती है, जिसे मन लगता है वही करने का मन करता है, ठीक है। ओके जी, बाय बाय, थैंक यू और हैप्पी होली इन एडवांस।